राजधानी तेहरान में हुआ था। बचपन से ही महानता के लक्षण उनमें दिखने लगे थे। घर पर उनकी थोड़ी शिक्षा दीक्षा हुई, लेकिन वह कभी किसी स्कूल में नहीं गए। उन्हें ईश्वर की ओर से जन्मजात दिव्य ज्ञान प्राप्त था। एक रात बहावला के पिता ने एक स्वप्न देखा। इस सपने से प्रभावित होकर बहावला के पिता ने एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जो सपनों की व्याख्या करने में माहिर था। जी, आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने आपको बुलाया। आइए बैठिए। बताइए, इसलिए आपने मुझे बुलाया? मैं आपको एक स्वप्न के बारे में बताना चाहता था जो कि एक चमत्कारिक स्वप्न था। जी बताइए, क्या देखा आपने स्वप्न में? मेरा बेटा एक अनंत विशाल महासागर में तैर रहा। पानी के ऊपर उनका शरीर कुछ इस प्रकार से चमक रहा था कि सागर भी उससे प्रकाशित हो गया। साफ तौर पर पानी के ऊपर उनका सर नजर आ रहा था और उनके घने काले बाल सागर के चारों दिशाओं में चमक रहे थे। उनके इर्द गिर्द असंख्य मछलियां उनके बालों को कसकर पकड़े हुए थी। जिस किसी भी दिशा में बहावला जा रहे थे, उनके दीप्त मुखमंडल से आकर्षित मछलियां उनकी ओर मुड़ते चली आ रही थी। यद्यपि मछलियों की संख्या बहुत अधिक थी और बड़ी जकड़ के साथ वे बहावला के बालों पर छू रही थी, फिर भी बहावला को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। बिना किसी रोक टोक के वे पानी के चारों ओर तैर रहे थे और मछलियां उनके पीछे पीछे तैर रहे थे। अब आप ही बताइए, इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है? यह उनके भविष्य की महिमा का संकेत है। जिस महासागर को आपने अपने सपने में देखा, वह कुछ नहीं मानवता का महासागर है। अकेले, केवल अकेले आपके पुत्र इस महासागर की सर्वोपरि ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। जहां भी चाहेंगे जा सकेंगे, कोई भी उनके प्रयाण को रोक नहीं पाएगा और ना ही उनकी प्रगति को अवरुद्ध कर पाएगा। जिन मछलियों को आपने अपने सपने में देखा, वह उस उथल पुथल का संकेत है जिसे वह लोग धरती के लोगों और राष्ट्रों के बीच मचा देंगे। लोग उनके गिर्द एकत्रित होंगे और इनसे जुड़ेंगे। सर्वशक्तिशाली ईश्वर के अबाधित संरक्षण के आश्वस्त कोई भी इस से कोई भी हानि नहीं पहुंचेगी और न ही उनके जीवन का अकेलापन उनकी सुरक्षा को खतरे में डालेगा। Thank you.
Let the trust in
इसी जेल में बहावला को पहली बार यह ज्ञान हुआ कि ईश्वर ने जिस प्रतीक्षित अवतार को प्रकट किया है और जिसके विषय में बाप ने कहा है वह वही है। इस काल कोठरी में पूरे संसार को प्रकाशित करते हुए मानव जीवन में नए युग को जन्म देते हुए सत्य का सूर्य अवतरित हुआ। चार महीने के कारावास के बाद सरकार ने बहावला को उनकी जन्मभूमि से निष्कासित कर दिया। कड़कड़ाती ठंड में बहावला और उनके परिवार ने तेहरान से बगदाद तक की लंबी यात्रा की। बगदाद में बहावला की बुद्धिमाना की प्रसिद्धि सभी दिशाओं में फैल गई। सभी पृष्ठभूमि से लोगों की भीड़ बहावला से सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आने लगे। बहावला के प्रभाव से डरी हुई सरकार ने उन्हें उनकी मातृभूमि से और भी दूर निष्कासित करने का निर्णय लिया। बगदाद छोड़ने से पहले बहावला ने शहर से बाहर एक बगीचे में 12 दिन बिताए। इस बगीचे में लोगों की भीड़ उन्हें अलविदा कहते आने लगी और इसी बगीचे में बहावला ने घोषणा की कि वह इस युग के ईश्वरीय अवतार है। बहावला की ख्याति वहां के निवासियों में फैल गई
और सरकार ने फिर यह निर्णय दिया कि उन्हें वहां से निष्कासित कर और दूर बंदियों के नगर हक्का में भेज दिया जाए। यह वह बंदीगृह था जहां घोर अपराधियों एवं गड़बड़ी फैलाने वालों को भेजा जाता था और उसके बाद उनके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलता था। सुल्तान के इस आदेश के बावजूद कि बहावला से कोई भी मिले जुले नहीं, फारस के कई अनुयायियों ने हक्का की यात्रा अक्सर पैदल इस आशा के साथ की कि उनकी एक झलक मिल पाएगी। हक्का आने पर ये समर्पित अनुयायी उनके बंदीगृह के सामने इस आशा में खड़े रहते कि कैदखाने की खिड़की से शायद कभी एक झलक वे अपने प्रियतम की पा सके। महीनों की थका देने वाली यात्रा की सारी थकान तब दूर हो जाती जब अपने प्रियतम द्वारा हाथ हिलाकर उनके अभिवादन की स्वीकृति उन्हें मिल जाती और इसके बाद उनमें से अधिकांश उस आशीष को पा लेने की खुशी लिए वापस अपने घरों को लौट जाते। कमाल कर दिया, अवतार कर दिया बावला।
शब्दों एवं कर्मों ने उच्च और निम्न वर्ग के लोगों को समान रूप से जीत लिया था। हक्का में बहावला ने मार्गदर्शन के उनके ग्रंथ प्रकट किए जिसमें परम पावन पुस्तक किताबें अकदस भी शामिल है। मई 1892 में बहावला का स्वर्गारोहण हो गया। अब सुंदर फुलवारियों से घिरी हुई उनकी चीर विश्राम स्थली Thank you.